यहाँ दोस्तों अभी अभी सीएम खट्टर का लाइव ऐलान हो चुका है। कैबिनेट मीटिंग में लगी मुहर, बड़ी खुशखबरी आई है। 6,000 रुपये खाते में आएगी। 18 से 60 वर्ष वाले के बल्ले बल्ले ऐलान हो चुका है। हमारी सरकार आने पे 6,000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। हुड्डा ने ऐलान किया है, किसानों के लिए बनेगा MSP की गारंटी का कानून। कर्ज न चुका पाने पर नीलामी नहीं होगी और किसी की जमीन नहीं चलेगी अपराधी केस। वहीं बात करते हैं कि हमारी सरकार बनने पे 6,000 रुपये महीने यानी रोज़ 200 रुपये के नोट से बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत होगी। किसानों के लिए MSP की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। साथ ही कर्ज नहीं चुका पाने की सूरत में किसानों की जमीन की नीलामी नहीं होगी और ना ही उन पर आपराधिक केस चलेगा। फसल बीमा योजना प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी कंपनियाँ करेंगी और पिछड़ा वर्ग में ग्रामीण लेयर की लिमिट 6 से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी, जिसमें से वेतन शामिल नहीं होगा। ये तमाम ऐलान किए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। फतेहाबाद में हुए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी और उदय नारायण कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने राज्यसभा का सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष और श्रुति चौधरी जितेंद्र भरद्वाज समेत कई दिग्विजय नेताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी हुई है। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।